उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है और मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई और अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार की उत्कृष्ट तैयारी और स्ट्रेटजी के लिए और अंतिम रूप से सफल होने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों आप सभी अभ्यर्थी जो प्रतीक्षित चिर प्रतीक्षित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के यानी उत्तराखंड पीसीएस के प्रणाम को प्राप्त करना चाहते थे परिणाम जारी कर दिया गया है आप ढेर सारे लोग इसमें चयनित हो गए हैं आज इसी पर चर्चा करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे आपके साक्षात्कार की जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगी ऑफलाइन के लिए हो सकता है कुछ क्लासेस के लिए कुछ, कुछ, कुछ बीच में कुछ घोषणा की जाएगी आपके ग्राउंड स्पेस से लेकिन फिलहाल आपको अभी ऑनलाइन सारी क्लासेज मिलेगी और आते हैं हाँ आज इसी स्ट्रेटजी पर चर्चा करते हैं कैसे होगा आपका साक्षात्कार कैसे आप उत्तराखंड पी में कैसे आप टॉपर्स बनेंगे कैसे आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे क्योंकि बहुत पद हैं और ये पद उत्तराखंड में पहली बार इतने पद इस बार 2021 में आए थे और 2021 की परीक्षा यदि अब थोड़ा सा विलंबित रही 2022-23 और अंततः परिणाम आ गया 2024 में परीक्षा का आप जानते हैं कि 2023 में इसका जब एग्जाम हो गया था इसकी मान चल रहा था लेकिन कुछ अंतर्विरोधों के कारण चर्चा में आ गया था जब चेयरमैन साहब ने स्वयं त्यागपत्र दे दिया था कुछ अपने निजी कारणों से और ये चल रहा था कि हाँ शीघ्र ही प्रणाम आ जाएगा लेकिन परिणाम आने में विलम्ब हुआ है फिलहाल देर आए दुरुस्त आए और अब आप अभ्यर्थी जो इसको क्वालिफाई किए हैं अब आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है अट्ठारह मार्च दो हज़ार चौबीस से आप सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा 18 मार्च दो हज़ार चौबीस से लगभग मान करके चलिए कि दो हफ्ते के अंदर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और अप्रैल के लास्ट में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के फर्स्ट वीक में आपके इंटरव्यू की डेट आ जाएगी मतलब इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा डेट नहीं आएगी शुरू हो जाएगा एक तरीके से देखिए आपके पास अभी मार्च पूरा महीना है और लगभग पंद्रह अप्रैल यानी लगभग आपके पास चालीस से पैंतालीस दिन का समय पैंतालीस दिन का समय है बहुत सही समय है अगर देखा जाए तो अन्य आयोगों को इससे सीख लेनी चाहिए विशेष तौर पर सबसे चर्चित लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन करवाते हैं उसके बाद फिर आप इंटरव्यू की डेट देंगे और तब तक अपने परीक्षार्थी अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी कर देंगे तो मित्रों ये जानते हैं दो पदों के सापेक्ष प्रारंभ में 224 पद हालांकि इस पदों की संख्या कुछ और बढ़ गई है पद इसमें कुछ और बढ़ गए हैं फिलहाल इसमें कुछ स्पेशलिस्ट कुछ स्पेशल पोस्ट हैं कुल इकतीस पदों के लिए कुल 31 प्रकार के पद इसमें रहे हैं इसमें डिप्टी जिसमें आपको बताएं डिप्टी कलेक्टर डिप्टी एस वित्त अधिकारी ए आर टी ओ डी एस ओ बी डी ओ ए आर एम ओ उप निबंधक कारागार अधीक्षक ए सी सेल टैक्स स्टेट टैक्स डी एस डब्ल्यू यानी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्य अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राज्य कर अधिकारी सहायक श्रमाायुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जैसे ढेर सारे पदों के लिए इसमें आप सभी क्वालिफाई हुए हैं और बहुत शानदार पद है इस पद को आपको कैच करना है इस पद पर आपको अंतिम रूप से अपनी सफलता सुनिश्चित करना है इस पद पर आपको अपने आप को स्थापित कर लेना दो हज़ार चौबीस में इसका अंतिम परिणाम आएगा दो हजार के अंतिम परिणाम में आपका नाम छपना चाहिए आपका रोल नंबर छपना चाहिए और आपको टापर्स बनना चाहिए उम्मीद तो करता हूं कि आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे टापर्स बनेंगे लेकिन जितने भी पद हैं सारे पदों पर आपका किसी न किसी आपसे भी छात्रों का चयन होना सुनिश्चित होना है लेकिन आप पूरी जिम्मेदारी किसकी है साक्षात्कार की है एक स्ट्रेटजी साक्षात्कार की स्ट्रेटजी हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसमें बुकलेट आधारित जो हमारी क्लासेज होगी पूरी बुकलेट रहेगी जिसमें से हम चार बुकलेट देंगे और चार बुकलेट पर आधारित पूरी क्लासेज रहेगी आपकी चार बुकलेट पर आधारित पूरी क्लास आपकी रहेगी और आप देखेंगे ये जो क्लासेज हैं ये बुकलेट रहेगी ये पहली जो बुकलेट होगी जैसा कि आप जानते हैं कि बुकलेट जो रहेगी पहली बुकलेट में हम पूरा आपका डेफ से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सब इसमें रहेंगे डैब से आधारित पूरे प्रश्न इसमें रहेंगे इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें इस्टे कमीशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सब कुछ रहेगा फिर आपके जो बुकलेट दो रहेगी आपका पूरा प्रशासनिक रहेगा पूरे उत्तराखंड प्रशासन के बारे में उत्तराखंड सरकार के बारे में रहेगा उत्तराखंड के प्रशासनिक विभागों के बारे में सचिवालय के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी फिर उत्तराखंड करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स बुकलेट नंबर तीन में रहेगा और बहुत करंट अफेयर्स हो गया उत्तराखंड इसमें विकास के पथ पर है आप जानते हैं उत्तराखंड में ढेर सारे ऐसे ढेर सारे ऐसे निर्णय सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं कि जो आपके लिए करंट अफेयर्स का ले करंट अफेयर्स के लिए और मुद्दों आधारित आपके लिए मुद्दे वहाँ पर बनते चले जा रहे हैं ठीक है तो मुद्दे आधारित आपके रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू इन सभी बुकलेट के माध्यम से रहेगा साथ ही साथ जो चौथी बुकलेट रहेगी उसमें आपके विगत सालों के प्रश्न भी रहेंगे प्लस आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे ये सारे प्रश्न आपके इसमें जुड़े रहेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका पूरा पूरा साक्षात्कार इन सभी बुकलेट के माध्यम से पूरा हो जाएगा इसके अलावा इस सारे पद जितने भी आपके पद हैं पदों के कार्य भी इसमें बने रहेंगे बुकलेट नंबर दो में पदों से संबंधित जितने कार्य हैं वो बना रहेगा उत्तराखंड सरकार की सारी योजनाएं क्या क्या है कार्यक्रम योजनाएं क्या क्या है वो सब कुछ रहेगा तो सब कुछ इसमें शामिल रहेगा बस आपको क्या करना है इसको स्ट्रेटजिक तरीके से तैयार करके इस पर आपको मुद्दों आधारित आपको इस पर बना लेना है और उसके लिए हम पूरी तरीके से आपके लिए क्या हैं तैयार हैं इसके बाद फिर हम क्या करेंगे फिर हमारा होगा मॉक इंटरव्यू रहेगा मॉक इंटरव्यू जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा इस तरीके दोनों आ, जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो आपके इंटरव्यू रहेंगे ये आपके एक तरीके से पूरे प्रिपरेशन को अंतिम रूप देंगे और सबसे बेहतरीन तरीके से लेकर के चलेंगे तो मॉक इंटरव्यू रहेगा प्लस आपकी बुकलेट आधारित पूरी क्लास रहेगी ये सब कुछ आपका इसके माध्यम से संचालित होगा तो मित्रों समझ लीजिए कि आपके लिए एक तरीके से बेहतरीन अवसर है और इस बेहतरीन अवसर का आपको क्या करना है लाभ उठाना है तो आप आइए और उत्तराखंड पी के साक्षात्कार की संपूर्ण तैयारी ए टू जेड आप डी पी आई एस यूट्यूब चैनल पर डीपीआईएस ऐप पर दे प्रयागम आई एस एप पर आप लेकर के और अपनी विधिवत स्ट्रेटी तैयारी को आप कर सकते हैं तो आइए बिल्कुल विलंब न कीजिए और शुरुआत कर दीजिए आप अपने साक्षात्कार को ये साक्षात्कार आपका आपके सफलता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सहायक है ठीक है तो इसी के साथ हम लोग अपने स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये कंटिन्यू क्लास आपको मिलने जा रही है आइए जुड़िए दो प्रयागम के साथ डी के साथ ठीक है